दोस्तों डाउन टू अर्थ में आपका स्वागत है। काफी लंबे अंतराल के बाद हमारी वीडियो आ रही है। थोड़ी व्यस्तताएं थी हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें, लेकिन कोशिश जारी रहेगी कि आप तक जो है नई नई जानकारियां हम लेके आए। ये जो जानकारी है एक्सक्लूसिव हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये जो अररिया गलगलिया रेलवे लाइन है उसका कार्य जो है वो काफ़ी तेज गति से अभी चल रहा है, और जैसा कि जीएम साहब ने कहा है कि 2024 तक जो है इसे तैयार कर दिया जाएगा। और ये जो हम अभी अररिया स्टेशन को इंटर करने वाले हैं, और ये वीडियो जो है हमें भेजी है हमारे मित्र जोगबनी से नीलकंठ शाह ने। और ये जो लाइन है दोस्तों, जो चिकन नेक वाला हिस्सा है, पूर्वोत्तर गलियारा जिसे कहते हैं, उसे एक नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कटिहार से जो है ट्रेनें वो अररिया होकर गलगलिया होते हुए सिलीगुड़ी तक जा सकेंगी। और ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये जोगबनी से आ रही है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निर्माण कार्य जो है वो तेज गति से चल रहा है, और जोगबनी से कई ट्रेनें जो है वो अभी चलने वाली हैं। जैसा कि अभी प्रपोजल जो है वो रेलवे बोर्ड में पड़ा है, और कुछ ही दिनों में जैसा कि हमें जानकारी मिली है पत्र के माध्यम से, वो जल्द ही सैंक्शन होने वाला है कि कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो कटिहार से भी कुछ नई गाड़ियां चलेगी और जोगबनी से भी कुछ नई गाड़ियां चलेगी, जिसमें जोगबनी से सहरसा और जो ललित ग्राम तक आती है सहरसा वाली पैसेंजर, वो भी जो है वो फारबिसगंज तक आएगी। लेकिन जोगबनी से सहरसा एक नई पैसेंजर ट्रेन जो है वो दी जाएगी ECR के तरफ से। साथ ही साथ दानापुर से जोगबनी एक सुपरफास्ट ट्रेन का जो है प्रपोजल वो ECR ने भेजा है, जैसा कि आप इस लेटर में देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है ECR की तरफ से जो नई ट्रेनें प्रस्तावित हैं वो दानापुर से जोगबनी और सहरसा से जोगबनी, दो ट्रेनें जो है वो जोगबनी को जो है प्रस्तावित की गई हैं। लेकिन कटिहार डिवीजन से जो है काफ़ी सारी ट्रेनें, जैसे पटना की ओर जो जाती है कटिहार पटना इंटरसिटी, आम्रपाली टाटा कटिहार, और जो है जोगबनी से कोलकाता की ओर जाने वाली जो ट्रेन है सप्ताह में 3 दिन है उसे भी 5 दिन करने का प्रस्ताव जो है भेजा गया है। साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली के लिए भी एक नई ट्रेन देने की बात बताई जा रही है। तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। फिलहाल तो ये एक स्टेबलिंग लाइन के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है, यहाँ से ट्रेनें भी चल सकती हैं। काफ़ी ज़रूरी था ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करना जोगबनी स्टेशन में, क्योंकि ये भारत का जो है अंतिम पड़ाव है, साथ ही साथ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का भी जो है वो अंतिम छोर है। यहाँ के बाद विराटनगर नेपाल की जो है सीमा शुरू हो जाती है, तो ये काफ़ी पहले काम हो जाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं। ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जहाँ अभी माल गोदाम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है शिफ्ट होने वाला है जो बतनाहा से विराटनगर रेलवे लाइन जो बनने वाली है, तो ICP जो स्टेशन है वहाँ पे नेपाल और भारत के, तो ये माल ढुलाई वाला जो कारोबार है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं जो जगह है, इसमें जो है वॉशिंग पिट बनने की जो है संभावना बताई जा रही है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका है और जल्द ही इसका शिलान्यास जो है वो होने वाला है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। तो देखते हैं, कटिहार जोगबनी सेक्शन के लिए बहुत जरूरी था कि जोगबनी में जो है वो टर्मिनल फैसिलिटीज़ जो है वो तैयार की जाए, और जिसके फलस्वरूप कटिहार से लेकर जो जोगबनी के बीच 108 किलोमीटर की जो दूरी है, इसमें इसके आसपास रहने वाले पूर्णिया और अररिया जिले के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात मिले। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या मिलता है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।